इसलिए मेरी बेटी आज भी कहती है नो टचिंग नो सेक्स नो पापा है पापा ना प्यार अगोरी मेरा परिवार इधर अगोरी परिवार प्यार फुल ऑफ लव रियली प्यार से सब कुछ प्यार से बनाते हैं ना प्यारा प्यारा गिफ्ट मेरा अंदर का कलेजा भी जीत अंदर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा बेटा जो ये हमारे 15 दिन 1 महीने के प्रेम में क्या रूप दिखाई जो इस भारत देश की संस्कृति को रुला के जा रही है। मोदी जी समझ लो आप भी है ना पैसे के चक्कर में आप भी बिक रहे हो ना। मैं डरता नहीं हूँ मैं कल मरूंगा तू ही मारेगा मुझे कोई नहीं मारेगा। नमस्कार दोस्तों जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ का जैसे आपने दृश्य देखा और लेकिन सोशल मीडिया पे जो 4 व्यक्ति जो बाबा हाईलाइट हुए थे मैं उनसे आपको मिलाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये क्षण उस समय के आपने हाईलाइट देखा लेकिन अब मिले हुए चारों एक साथ है लेकिन 80 क्षण ऐसा क्षण आया जो मुझे देखना मजबूर हो रहा हूँ कि वो सभी बिछड़ रहे हैं वो भी मैं पूरी जानकारी जैसे आप देख पा रहे हो अगोरी बाबा ये बहन बाबा है जैसे कि शिवानी जी है वो सभी बिछड़ रहे हैं और हम ये बात करेंगे चारों साथ में रह रहे थे और महाकाल के साथ जैसे अगोरी बाबा जी के साथ रह रहे अगोरी बाबा जी से बात करूँ क्योंकि ये हिंदी बारीकी से आप सभी को बताएंगे। हालांकि बाबा जी पहले तो आपके चरणों में मेरी तरफ से मेरे सभी दर्शकों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो मौज करो आनंद लो बेटा। इस क्षण को किस नाम से पुकारू ये तो मुझे पता नहीं आंखों बह रही है एक तरफ से राम और भरत का मिलाप दिखाई दे रहा है एक तरफ मुझे दिखाई दे रहे है बाप और बेटी का विदाई का समय जैसे कि जैसे उस समय बहू बन के जब बेटी जा रही है ससुराल। हर देश की बेटी मेरी बेटी है यार ये चाइना कोई गद्दार थोड़ी है। करप्शन राजनीतिक करप्शन जिसने मेरे इंडिया में इतना फ्रीडम है मेरा इंडिया इतना फ्रीडम है कि हर देश का वासी अपना आनंद से रह सकता है बाकी महाकाल आनंदा है महाकाल आनंदा है। इसलिए मेरी बेटी आज भी कहती है नो टचिंग नो सेक्स नो पापा है पापा। तो सबको समझना चाहिए मैं तुम्हारा पापा हूँ ना महाकाल। तो बेटा मैं तो इस बच्चे को भी खाली इतना कहूँगा बेटा आज मैं थोड़ा सा मेरी बच्ची जा रही है और अपना प्यार छोड़ के जा रही है इतना प्यारा प्यारा गिफ्ट मेरा अंदर का कलेजा भी जी अंदर मैं बोल ही नहीं पाऊँगा बेटा इतना प्यार जिसको मैं जन्म भी नहीं दे सकता वो इतना प्यार दे के जा रही है मुझे इतना आनंद दे के जा रही है। मेरी बच्ची को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सड़क पे भी चले तो भी बेटा तुम्हारा हिंदू सनातन धर्म का कर्तव्य है इसको पानी भी देना इसको हर चीज़ देना बेटा हर चीज़ देना बेटा। मुझे तो एक ही आशीर्वाद दूंगा देश का कोई भी बेटा हो चाहे मेरा मलेशिया से हो चाहे तिब्बत से हो चाहे नेपाल से हो चाहे दुनिया का एक ही ताकत हो राजतंत्र चाहिए मुझे राजतंत्र मेरा प्रजा राजतंत्र होना किसी का गुलाम नहीं होना। बहुत हो गया बेटा बहुत हो गया राजा बहुत हो गया। मोदी जी समझ लो आप भी है ना पैसे के चक्कर में आप भी बिक रहे हो है ना। मैं डरता नहीं हूँ मैं कल मरूंगा तू ही मारेगा मुझे कोई नहीं मारेगा। मेरा देश नहीं मार रहा ना मेरा परिवार मार रहा तू मारेगा राजनीतिक तू राजनीतिक। अगोरी चिढ़ गया तेरे से खानदान भी चिढ़ गया मेरा है अब तू समझ तेरी सत्ता को तू बचा। बाबा जी जैसे आप भी यहाँ पर रहे थे बाट में यहाँ बाबा जी के साथ रहे थे तो आपको किस प्रकार का लगा यहाँ पर रह के। अगोरी मेरा परिवार इधर अगोरी परिवार प्यार फुल ऑफ लव रियली प्यार से सब कुछ प्यार से बनाते हैं और मैं बहुत बहुत खुश हूँ साथ ही साथ आनंद आनंद आनंद। मेरा बेटा कितना प्यार से बोला कि बाबा अगोरी सच है झूठ नहीं है मैं अगोरी को साथ बोलता हूँ जो भी काले कपड़े पहनो बेटा मेरे नाम को कभी मत डुबाना रामायण करवा बेटा रामायण करवा बस और कुछ। बाबा जी आप क्या कहना चाहोगे इस सन को। अब मैं इनके हाथों से माइक ही छीन लेना चाहूँगा और मेरे प्रिय भक्तगण को ये कहना चाहूँगा जो इस चाइना से कुछ सीखो इस चाइना से कोई सीखो जो ये हमारे 15 दिन 1 महीने के प्रेम में क्या रूप दिखाई जो इस भारत देश की संस्कृति को रुला के जा रही है। क्या आप सब इतना प्रेम अपने भाई बंधु से सखा से नहीं निभा सकते। यदि मैं झूठ कह रहा हूँ तो मुझे जो सजा देना है देना नहीं तो एक बार मेरी बातों पे गौर करना जो तुम्हें अपने धर्म को याद रखना है तुम्हें अपने धर्म को याद रखना है जो आप मानव हो या नहीं मानव हो तो मानव वाला कर्म करो इन ढोंगियों से बचो
इन ढोंगियों से बचो जो तुम्हारा हर क्षण शोषण कर रहे हैं, धर्म के नाम पे, अधर्म के नाम पे, मानव जाति के नाम पे, हर एक प्रकार से। मेरा तो पक्का है, मेरी मौत फाइनल है, मारेंगे मुझे मोदी जी। हम नहीं मारेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि ये मानव जी को, मोदी जी को हमने वो कुर्सी पे बिठाया, हम दोनों येड़े ने, हम दोनों पागल है, और हम दोनों ने ऐसे उसको नेटवर्क में बिठाया जो उसके भी समझ में नहीं आया जो वो क्या कर रहा है, और हमने आज उस काबिल तक उसको पहुंचा दिया जो चाय बेचने वाला मोदी बन गया। लेकिन वो भूल गया क्योंकि मेरे किसान का अब वो शोषण कर रहा है, कह रहा है नियम, कैसा नियम? मानव से पूछ, जब किसी के पेट में आग लगती है तो सभी नियम को तोड़ देता है। तुझे ध्यान रखना चाहिए, जो तू भी एक मानव है, तू भी एक दिन मरेगा, भगवान बनने की कोशिश मत कर, इंसान बन जा, यही तेरी मेरी दोनों की औकात है। क्योंकि हम लोग इंसान है, प्रकृति को खोचाड़ेंगे तो तेरी गेम बजनी फाइनल है। मैं तो पहले से मरा हूँ, इसलिए अघोरी लोग कहते हैं हमें तू मार के कुछ नहीं पाएगा, लेकिन तू मर जाएगा तो एक अच्छा नेता मर जाएगा। तेरी सोच को सलाम करते हैं, निकल आज तेरे विश्वास डगमगा रहे हैं मोदी, समझ जा, नहीं तो तू मेरी बजा, नहीं तो तेरी बजनी फाइनल है। अब तू मानता है या नहीं मानता है तेरी प्रॉब्लम, कुर्सी से उतर के सोचना। मैंने सच बोला तो साथ देना, झूठ बोला तो मेरे को गोली मारना। आदेश।